नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। आइए रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। गरीबों के आशियाने पर चला वन विभाग का बुलडोजर। दरअसल मामला रायबरेली के लालगंज ग्राम संबर सिंह का है, जहां पूर्वा मरेऊ गांव से है, जहां इस वक्त पूरे गांव में रो रो के गरीबों का बुरा हाल है। दरअसल 15 नवंबर 2021 तक आज ही के सिंह द्वारा बिना नोटिस दिए व बिना ग्राम प्रधान को बताए वहां पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बलपूर्वक गरीबों के मकानों को गिरा दिया गया। बल्कि यह गरीब 20 सालों से उसी जगह पर टाँककर रहते हैं, फिर भी बिना नोटिस दिए उनके मकानों को गिराकर ढेर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में यह गरीब जाए तो आखिर किसके पास? स्वागत जिंदगी के लिए जिला संवाददाता कमल कुमार की रिपोर्ट। जंगल विभाग वाले हमारी यही लिए गिरा दिया कि इसे जब नहीं बनना है। तुमका सर ऐसा है कि ये बनना चाहिए, पुरानी डेहरी है, बाप दादे के यहाँ रहते हैं और 50 कहीं नहीं 50,000 रुपया दे तो हम कहाँ भाई सर दे दे अपलांग मने। किसने कहा था 50,000 रुपये? मनीष और मुन्नीलाल, हमका तो नाव नहीं आता बच्चा। राजेश, अगर तीन लोग 50,000 रुपए मांग रहे थे तो आप लोगों ने पैसा दिया था? नहीं दिया सर, कहाँ से भाई तो दे सर कहा ये क्या करी कहा फिर दिया। ये कब की बात है पैसा मांगने की? परिचय दीजिए। हमारा नाम हरकेश है और हम लोग खेत में थे, कोई सूचना नहीं थी ना कोई नोटिस दी गई और अचानक में घर गिरा दिया गया। भैंस भी हमारी चोट खा गई। किसके द्वारा मकान गिराए गए आप लोगों के? वन विभाग में आया हौसले की। क्या ये वन विभाग में आप लोग मकान बने हुए हैं? हो सकता वन विभाग में है, कोई जानकारी नहीं, बोलते हैं वन विभाग में है तभी उन्होंने गिराया है। जब से आप लोग इस गांव में निवास कर रहे हैं क्या कभी वन विभाग ने चिन्हित किया है? पैदा हुए हैं तब से इस जमीन में रह रहे हैं, आज हमारी 30 साल उम्र हो गई है मगर इससे पहले भी है। कितने लोगों के मकान गिराए गए हैं? 7-8 लोगों के। सर, मेरी गई गांव के अंतर्गत कल वन विभाग द्वारा कुछ मकान ढाए गए हैं, इसमें सर कुछ लोग आपके भी पास आए थे। हाँ जी, तो सर इसमें है कि वन रेंजर द्वारा अवगत कराया गया था पत्र भेजकर कि कुछ लोगों द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसमें राजस्व की टीम भेजकर और पुलिस को भेज के इस कब्जे को हटवाना है, तो इसमें कार्रवाई कराइए। सर, कुछ लोगों का कहना है कि इन लोगों का मकान गिरने से नुकसान भी हो गया है। ऐसा है, अवैध रूप से वो मकान बनाए गए थे, वन विभाग द्वारा उनको गिराया गया है और यदि कोई भूमिहीन हुआ है तो मैंने लेखपाल से कह दिया है कि उसको 100 गज का पट्टा करा दें। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहें।